रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे और अब पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं डेमोग्राफी के बारे में। अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो किस तरीके से घटती आई है, क्योंकि सलोनी ये पहली घटना नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में पहले जाएं तो पहले से इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी सोच की बात करें तो उसका किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा है ये सभी ने देखा है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। 1951 की बात करें तब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था और तब मिला जुला हिसाब के साथ था, उस समय 22% आबादी थी और उसके बाद 1991 में घटती है, 15% हो जाती है। 2011 के जो आंकड़े आते हैं वो और चौंकाते हैं, क्योंकि 8.5% आबादी हो जाती है। और 2022 की अब तक इसी आंकड़े पर हम चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद डेमोग्राफी को लेकर कुछ बातचीत नहीं हुई है, तो यहाँ पर 8% आबादी है और कुल 4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 20% से ज्यादा है। लेकिन अभी जो हालिया तस्वीरें आई हैं प्रगति, वो ये बताती हैं कि हालात बद से बदतर हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको बता दूं कि आचार्य राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु हैं आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन भी आपको करा देते हैं सलोनी। बिल्कुल, हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सैयद जावेद जवाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उसके अलावा हाजी नजीम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाजिल अहमद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा पैनल है और चर्चा का विषय यही है कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों की याद दिला रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत ऐसे देशों से घिर गया है जहां हालात बद से बदतर हैं। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी रंगेश साहब से। रंगेश साहब, अभी जो हम हालात देख रहे हैं, ऐसा लगता था कि जैसे सऊदी अरब में होता था वहाबिज्म, उसका असर हम इन देशों में देख रहे हैं। सऊदी ने उसे डायरेक्ट कर दिया है, अपने देश में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इन देशों में इस्लाम का एक अलग मतलब निकाल दिया गया, एक अलग परिभाषा सेट कर दी गई है और उस परिभाषा को फॉलो किया जा रहा है, जबकि इस्लाम में ऐसा है नहीं कहीं कि इस तरह से जुल्म ढाया जाए। देखिए, ये जो मामले जो आप दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर, अधिकतर इसमें जो 90% जो है वो फेक है और झूठे हैं। अभी बताया गया था कि लिटिन दास जो वहां के प्लेयर हैं बांग्लादेश की टीम के, उनका घर जला दिया गया, जबकि वो घर उनका नहीं था, वो घर वहीं के जो लेकिन पहले वो तो रहा है ना। नहीं, मैं मतलब अगर आप देखें, आबादी घट रही है, हम आपको आंकड़ों के हिसाब से भी बता रहे हैं, 22 से अगर 8% हो गई है, तस्वीरें भी आ रही हैं, हम देख भी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या सारे वीडियोस गलत हैं, सारी बातें गलत हैं? गलत तो फिर ये भी है कि जो हसीना है जो यहाँ पर आकर हमारे देश में आकर बैठी हैं और हमारे देश के और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार क्या स्टैंड ले रही है उस पर? हम कह रहे हैं, अभी हमने सब लोगों की बात नहीं हो रहा क्या कि आप अखंड भारत क्या भाई साहब एक बात बताइए मुझे, एक बात पूरा पैरल यहां बैठा है, एक सबसे पहले पूरा विश्व स्टैंड नहीं लेता कर रहा है, आप सिर्फ उस पर राजनीति करते हैं, लोग आप मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं लाभ नहीं पहुंचाते, एक निरय से आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति लोग मार के भैया बताइए, यहां पर हिंदुओं के नाम पे नहीं हो रही है, बलात्कार हो गया उसके बाद भी आप बैठे हुए आदमी है, आचार्य विक्रमादित्य जी ये साफ कर दीजिए, ये डिनाइल क्या है, कौन सी पॉलिटिक्स, जरा ये बताइए कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है इस देश सवाल के साथ जवाब दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इन देशों में इस्लाम का राजनीतिकरण हो रहा है, आप क्या कह रहे हो, इस्लाम का मिसयूज हो रहा है भाई साहब, मुझे बताइए सऊदी के अंदर, अभी सबसे पहले आपने सऊदी का नाम दिया, सऊदी में मंदिर बन गया, सऊदी के शेख मंदिर में जाकर राम कथा में बैठ जाते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा बाकी लोगों को देखते, बाकी लोगों कहते हैं अगर तुमने वहां प्रसाद खा लिया दिक्कत हो जाएगी वहां तुमने, अरे सुनो अभी तुम बोल चुके इस देश में, बताओ मुझे बताइए ना इस देश के अंदर क्या स्थिति मची है कि यहाँ पर ऐसा ऐसे ऐसे मौलाना, मैं हाजी की बात रंगरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, रंगरेज मेरे आश्रम पे आते हैं और खूब बढ़िया चाय भी पीते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं, एक एक कर सबका रिएक्शन ले लेते हैं, एक मिनट लौटूंगी आपके पास, आधा मिनट और दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ऐसे कुछ मौलाना तथाकथित तौर पर है जो जबरदस्ती ऐसे देश में जहर घोलने का बात करते हैं कि हिंदू के घर मत जाना, होली मत कहना, दिवाली मत मनाना, मुझे बताइए वो कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है इस पे सबको एक मत होकर बात करनी चाहिए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है जवाब जी, पूरे नैरेटिव को अगर देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे, चाहे नेपाल को देखेंगे, श्रीलंका को देखेंगे, म्यांमार को देखेंगे,
जो दिक्कत है वो कट्टरता के ऊपर है, चाहे वो धर्म के नाम पे आए, वो चाहे जात के नाम पे आए, चाहे वो पंथ के नाम पे आए, चाहे वो मजहब के नाम पर आए, जहां कहीं पर भी कट्टर मानसिकता की सरकारें, उस कट्टरता को आप समर्थन देते हैं ना, आप कट्टरता का विरोध तो करें, प्लीज प्लीज अलाउ मी, कट्टरता का विरोध क्यों नहीं करते आप, बोल लीजिएगा, आप पूरा समय बोल लीजिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट, आप कट्टरता का विरोध क्यों नहीं करते भाई? मैं विरोध करता हूँ, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे जब आप, कोई विरोध नहीं करता, हिंदू हूँ मैं, कट्टर मुसलमान हूँ मैं, कट्टर सिख हूँ मैं, कट्टर ईसाई हूँ, दिक्कत कट्टरता में है। आप अच्छे हिंदू बनिए, आप अच्छे मुसलमान बनिए, अच्छे सिख बनिए, अच्छे ईसाई बनिए, कोई आपत्ति, लेकिन जैसी कट्टरता का चोला ओढ़ा जाता है, साथ साथ कट्टरता जो है आपको राष्ट्रवाद का भी चोला ओढ़ा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यही दिक्कत होती है। आसपास के पड़ोसों में देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान में देख लीजिए, कट्टर सरकारें, आप देखिए खराब बात थोड़ी है, भारत के रिश्ते खराब हो गए, आप देखिए श्रीलंका से भारत के रिश्ते खराब हो गए, आप देखिए म्यांमार से जो है वो हमारे भारत के रिश्ते खराब हो गए, जो चाइना के से रिश्ते खराब नहीं है। मैं आपके समक्ष दो बातें रखूंगा, मैं दो बातें आपके समक्ष रखूंगा, इस देश के अंदर क्या स्थिति मजी है, क्या स्थिति, कोरोना आया, कोरोना कोई बुराई है, विरोध की बात, विरोध राष्ट्र का विरोध कैसे किया जाता है, जहाँ भी राष्ट्रहित की बात आएगी वहाँ पूरी की पूरी कौम खड़ी जाती है, राष्ट्र के विरोध में बात हो रही है। मुझे बताइए कोरोना आया, वैक्सीन पूरा विश्व लग रहा था, लेकिन इस्लाम के कुछ लोग खड़े हो गए, हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि नेताओं ने ऐसा बरगला दिया कि मुझे बताइए किस प्रकार की स्थिति मची, यहाँ सीए आता है, यूसीसी आता है, वो राष्ट्र के विरोध, एनआरसी आता है, मुझे बताइए यूसीसी है, आचार्य जी, आचार्य जी देखिए देखिए ऐसे कोई बात नहीं कह पाएंगे, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी देखिए ऐसे कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आचार्य जी देखिए वो कह रहे नहीं, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी थोड़ा फेटर डाउन कर दीजिए, फेटर डाउन कर दीजिए, सुनिए सुनिए, अच्छा आचार्य जी एक मिनट, जब आज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक एक करके बात रखिए ना, एक एक करके बात रखिए, राष्ट्रहित की जब भी बात कोई करने के प्रयास करेगा तब सबसे पहले मौलानाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्यों होता है, आचार्य जी, आचार्य जी, राष्ट्रहित की बात हो रही है, आप एक से रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, मैं ये कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं आचार्य जी, आचार्य जी क्यों आया, आचार्य जी रिजर्वेशन की मूल धारणा क्यों आई, आचार्य जी शांत हो जाइए, एक एक करके पॉइंट रखिए, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा, आपको भी आरक्षण होना चाहिए, आपको नहीं पता है, आप डाउन करिए, आप सेट डाउन करिए, कोई नहीं सुन पाएगा, ऐसे आप बांग्लादेश में आचार्य जी एक मिनट, एक मिनट, ऐसे करने से नहीं होगा, जबा जी शांत होइए, शांत होइए, देखिए ऐसे ऐसे किसी का पॉइंट नहीं रेज हो पाएगा, ऐसे किसी का पॉइंट रेज नहीं हो पाएगा, पॉइंट पर बात करिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं सुन पाएगा, थोड़ा सा फैक्ट रख दूं, मैं एक फैक्ट रख दूं, मैं आपके पास आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं, देखिए जबा जी ने यह भी कहा है कि इस तरह का जो जुल्म है उसका वो खंडन करते हैं, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ हो, वो पॉइंट भी लीजिए प्लीज, प्रगति बिल्कुल यहाँ पर हाजी नाजिम जी कुछ कह रहे थे, आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर एक एक करके आएंगे, कट्टरपंथी सोच की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि शुरुआत तो कहीं से होती है ना, और जब ये शुरुआत होती है फिर किस तरीके से बड़ा रूप ले लेती है, ये हम सभी के सामने है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाह पूरे मुल्क को भी खत्म कर देती है, आग इस तरीके से फैला देती है जिस तरीके से जंगल में आग लग जाती है। और देखिए हम कहते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से फुटेज आ रही है, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए क्योंकि वहां इस तरीके की फुटेज आ रही है। और दूसरी बात, अभी आचार्य जी क्या कह रहे थे भारत के अंदर क्या हो रहा, इसका मतलब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है तो मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ी तोड़कर उनका बांग्लादेश रोहिंग्या बना के आप लोग उनको मारेंगे पीटेंगे, इस तरीके का माहौल आप देश के अंदर बना रहे, बांग्लादेश से हिंदुओं को भगा दिया, केरला से हिंदुओं को भगा दिया, दिल्ली से अपनी निकालने का प्रयास कर दिया, छाती दर्दी हो रही है, सपोर्ट करने की सपोर्ट कर पार्टियां चला रही है और ये अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं, बताइए क्या स्थिति बचा रहे, रोहिंग्याओं के साथ हो रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, कश्मीरी हिंदुओं की औरतों के साथ, ये गलत है, कश्मीर में गलत है आचार्य जी, आचार्य जी एक सेकंड, भाई देख लो वो देखोगे नहीं, आचार्य जी बस 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 शांत हो जाइए, हाजी जी शांत हो जाइए, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं
की जाएगी, शांत हो जाएगी। यहाँ पर कश्मीर में आचार्य जी ऐसे आप ही लोग बात करते रहेंगे, किसी को मौका नहीं, किसी को मौका नहीं मिलेगा। एक मिनट, अपना भाई मानते हैं हम, आप लोगों को अपना भाई मानते हैं, लेकिन आप लोग मारते हैं पीटते हैं। हाजी जी, हाजी जी, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? बात हो रही है बांग्लादेश की, आप भारत को भी ले आ रहे हैं, आप क्या खंडन नहीं करते हाजी जी, फाजिल जी से? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फाजिल जी आप बताइए, क्या यहाँ पर रह रहे मुसलमानों को खंडन नहीं करना चाहिए जो हो रहा है? उस पर भारत की बात क्यों आ रही है? पहले खंडन तो करिए, खंडन करिए पहले आप, जो हो रहा है वो गलत है। ये बता दीजिए बांग्लादेश, आप बहुत देर बोल चुके हैं नाजिम जी, आप बहुत देर बोल चुके हैं, बहुत देर बोल चुके हैं। बांग्लादेशी नहीं क्या वो लोग? एक मिनट एक मिनट, आचार्य जी फाजिल जी को सुन ले, फाजिल जी को सुन ले आचार्य जी, सरकार की जिम्मेदारी है। अरे ऐसे तो फिर होता नहीं है, आप लोग करेंगे इस देश में, शांत हो जाइए ना, ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी। एक मिनट एक मिनट आचार्य जी, आपके आचार्य जी एक मिनट, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट बोलने देते, एक मिनट एक मिनट, बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं, आप रुक जाइए जरा, एक ले लेना चाहिए। हाँ तो शांति से सुन लीजिए फाजिल जी, मेरा आपसे सवाल बस यही है। हो गया, सुन लीजिए बताइए, आपने जो बात कहा बिल्कुल सही आचार्य जी का, यूनुस साहब वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ चाहे जो भी हुआ, और वो मंदिर गए, और जैसे ही मंदिर गए वहाँ शांति हो गई, लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर आज तक नहीं गए, इसलिए मणिपुर जल रहा है। और दूसरी बात आपने कहा आबादी की बात, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ गई, आधा बिहार के लोग दिल्ली में रहने लगे, क्यों बढ़ गई? आप मान रहे हैं दिल्ली की आबादी बिहार में क्यों कम हो गई? आप बांग्लादेश की बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों तकलीफ हो जाती है, क्यों तकलीफ हो जाती है? मान वाला दिल्ली की आबादी बढ़ गई, क्या मतलब बिहार वाला मुसलमान यूपी वाला दिल्ली में ना है, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है? आप मुझे मुझे ये बताइए, ठीक है राज मिश्रा जी, हमारे प्रधानमंत्री अगर मणिपुर गए होते ठीक है देश के अंदर